ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद अब मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा तेज हो गई है। लोग अब जन्मभूमि का सर्वे कराए जाने की मांग करने लगे हैं। वहीं मथुरा की जिला कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग बहुत पुरानी है। साल 2020 में कोर्ट ने मस्जिद हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए, खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वहीं पर कारागार मौजूद है, उसी कारागार में भगवान कान्हा का जन्म हुआ था। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है। इस 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग याचिका में की गई है।